चंडीगढ़ नगर निगम, जहां कल जमकर हंगामा हुआ। कल सुबह से ही यहां गहमा गहमी थी। मेयर का चुनाव जो होना था और मेयर चुनने के लिए वोटिंग भी हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा अप्रत्याशित था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली परीक्षा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उनकी हार हो चुकी थी, जिसके बाद हंगामा बढ़ने लगा। बीजेपी पार्षद खुशी में थे, कांग्रेस आप के पार्षद धांधली के आरोप लगाते नारेबाजी करने लगी। अब ये मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट में पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में दोबारा से मेयर का चुनाव करवाने की गुहार लगाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गुंडागर्दी और खुलेआम धांधली का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ का मेयर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे। इस चुनाव में मेयर पद के लिए एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर थे, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार। वोटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास 15 पार्षदों के अलावा एक सांसद का वोट था, मतलब कुल 16 वोट, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास 20 वोट थे, जिसमें 13 वोट आम आदमी पार्टी के पार्षदों के थे और 7 वोट कांग्रेस के पार्षदों के। आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव उनका ही प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बड़ा उलटफेर हो गया।